पास्ता बनके रेडी है। हमारी शाम की टी आ चुकी है। भिंडी है ना, अभी यहाँ पर मम्मी ने करेले फ्राई कर दिए। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, लाइट जला लो। लाइट जली हुई है, इतनी तो रोशनी आ रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? बहुत अच्छे हो गए। तो गाइज अभी आफ्टरनून हो चुकी है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जो है वो जप्पू ने कर लिया था। जप्पू के पापा भी ब्रेकफास्ट करके रेडी शेडी होके चले गए थे। नहा धो के मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। ट्यूशन में पढ़ा चुकी हूँ। यस, हम गांव से भी वापस आ चुके हैं और मैं ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा चुकी हूँ। और जप्पू ने भी, लो इसको देख लो, मैंने भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने पहले कुछ नहीं शुरू किया था, अब मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। यस गाइज, इसने हॉलीडे होमवर्क शुरू तक नहीं किया था। जितनी टैब देखी ना पूरी समर वेकेशन में, जितनी मस्ती करी है, अब वो सारी की सारी मस्ती इसकी निकलने वाली है। क्योंकि हॉलीडे होमवर्क है इतना ज्यादा कि मतलब जो वो मिलती है ना राइटिंग बुक्स होती है, वो मिलती है करने के लिए, वो करनी है इसने। जितनी छुट्टियां उतनी, मतलब आप लगा के चलो इसकी 45 डेज की छुट्टियां पड़ी थी, तो 45 सुलेख इसने करनी है, जिसमें से इसने 5 करी है अभी। और इसको दिन का टारगेट दिया गया है 10 सुलेख करने का, तो रात को सोने से पहले पहले ही अपनी 10 सुलेख खत्म करेगा, उसके बाद इसको सोना अलाउड है। तो चलो वो तो इसका काम है, इसने खुद ही करना है, मेरा कोई काम नहीं है उसके अंदर। और अभी हम गांव से घर आ चुके हैं। यार टू मच स्ट्रगल था वहां पे हमारी, तो लिटरली हम लोग वहां पे अपनी लाइफ नहीं बिता सकते। जिन जो लोग शहर में रहते हैं वो गांव में जाके सरवाइव करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो चलो इट्स ओके, उनकी लाइफ है, ये हमारी लाइफ है, सब अपनी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, अभी लग चुकी है जोरों शोरों की भूख और मैं आज बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ मैक्रोनी मैं कैसे बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल सी बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है। अगर होती तो भी मुझे जप्पू डालने नहीं देता, क्योंकि उसको प्लेन जो है वो फिर भी थोड़ी बहुत खा लेता है, वेजिटेबल्स वगैरह डाल के तो वो खाता ही नहीं है बिल्कुल भी। उसको मैगी भी प्लेन पसंद है, मैक्रोनी भी। तो मैं सिर्फ प्याज टमाटर और हरी मिर्च डालूंगी मैक्रोनी के अंदर। तो आओ मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या करने किया मैंने मैक्रोनी बनाने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो मैक्रोनी को मैंने बॉईल करके और मैंने यहाँ पे उसको ऐसे इस छलनी के अंदर निकाल दिया। उसको मैक्रोनी को अगर बॉईल करके साथ ही ठंडे पानी से वॉश कर दिया जाए तो ऐसे ही रहती है मैक्रोनी, आप देख सकते हो ढली नहीं है। और यहाँ पे लंबे लंबे प्याज कट कर लिए हैं और यहाँ पे टमाटोज बारीक बारीक कट कर लिए और हरी मिर्ची कट कर ली है। यहाँ पे मैंने रख दिया है ऑयल। गोभी की सब्जी बनाने के लिए प्याज और टमाटर का तड़का बनाते हैं, वैसे ही मैं तड़का बना के उसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। तो चलो ठीक है गाइस, फटाफट से बना ली जाए मैक्रोनी क्योंकि भूख से ने तो जान निकाली हुई है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मसाला है अच्छे से भून चुका है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मलाई और थोड़ी सी रेड सॉस भी ऐड करी है। तो प्रॉपरली पर्टिकुलर एक नाम तो नहीं हो सकता, इसका नाम मैं डाल देती हूँ रेड सॉस क्रीमी पास्ता, क्योंकि ना तो प्रॉपर रेड सॉस है और ना ही प्रॉपर क्रीमी है। तो दोनों चीजें मिक्स करी है तो दोनों मिक्स हो जाएगा। अब मैं फटाफट से इसको अच्छे से मिला के इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर देती हूँ, तो हमारी मैक्रोनी बनके हो जाएगी रेडी। पास्ता बनके रेडी है, गर्मा गर्म पास्ता जिसको खाना है वो आ जाओ। तो मैक्रोनी हमारी बनके हो चुकी है रेडी और बाउल में डाल के हम ऊपर ही आ गए हैं। यहाँ पे हमारा जप्पू लेटा हुआ है और अभी हमारे घर पे भाभी भी आई है। हाय भाभी। हेलो। तो सब रेडी है, देख लो तीन प्लेट्स है हमारी, तीन पर्सन है। जप्पू ने कह के बनवाई है प्लेन, मम्मा कुछ मत डालना कोई वेजिटेबल्स नहीं है ना। वेजिटेबल है, टमाटर भी है उसके अंदर। अच्छा, और वेजिटेबल क्या था, क्या नहीं डालना था इसमें फिर? मटर। मटर अच्छे नहीं लगते तेरे को? तो चलो गाइस, मुझे तो एक देख के बहुत भूख लग रही है, हम खाने लगे हैं क्योंकि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी नहीं किया। ये देखो कितना यम्मी यम्मी लग रहा है। और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, लंच भी नहीं। झूठ मत बोल, झूठ मत। सुबह तूने चूरी खाई और दोपहर को भी फिर भाभी ने तेरे को लच्छा परांठा बना के दिया, झूठ मत बोल। वो तो कल खाई थी। चाटा मारोगे मुंह पे? कल खाई थी चूरी लच्छी। झूठा झूठा झूठा। तो अब यहाँ पर हमारे घर पे चल रही है अच्छी खासी कुकिंग, भिंडी प्याज और साथ में पड़े हैं यहाँ पे करेले। करेले बना रही हैं भाभी और भिंडी बना रही हूँ मैं, और इससे पहले मैं चटनी बना चुकी हूँ, वो तो आपने ब्लॉग में दिखाई ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं बनी हुई दिखा देती हूँ फ्रिज में। ओह माय गॉड, कोई इशू नहीं। ये देखो गाइस, चार चार ग्राम का दो डिब्बिया चटनी है, एक मेरी और एक भाभी की। ठीक है, चटनी बनाई है मैंने, ये देखो दही वाली। ओए होए गाइस, चटनी की शक्ल बनी भी इतनी यम्मी है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा धनिया पुदीना और 250 ग्राम धनिया डाला, तीन कुछी पुदीने की डाली है और दो नींबू डाले मैंने इसके अंदर, अदरक डाला है, लहसुन डाला है, प्याज डाला है, टोमेटो डाली है, हरी मिर्ची डाली और नमक डाला। चटनी तो सबको बनानी आती है, सबको बनानी आती है, बट वो
बहुत यम्मी बनी है मेरी दही वाली चटनी। तो ऐसे मेरी चटनी बन के रेडी है। आपने खा के देखी? हाँ यस, मैंने खा के देखी, बहुत यम्मी है। और अब मैं बनाऊंगी दाल चावल और भिंडी। दाल चावल? कौन सी दाल बनाऊंगी? दाल बनाऊंगी वही पीली वाली अम्बी वाली दाल। तो भिंडी बना रही हूँ, मैंने भिंडी काट के उसके अंदर प्याज और हरी मिर्ची बारीक बारीक कट कर ली है। और प्लीज बर्तन को अवॉइड करना, प्लीज बर्तन को। बर्तन किचन में धोने के लिए होते हैं, अभी तो जूठे हुए हैं। और ये यहाँ पे भाभी बना रही है करेले। आज करेलों की रेसिपी आपके साथ पर्सनली शेयर करी जाएगी। बहुत अच्छे करेले बनाती हैं भाभी। भाभी ने क्या किया, करेलों को अच्छी तरह से ऊपर से छिलके और उनके मसाले बाहर, ये जो ऊपर से छिलके इसको भी फेंका नहीं है, इनको अच्छी तरह से वॉश करके भाभी ने इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी लगा के इसको छोड़ दिया। भाभी कितनी देर के लिए छोड़ना है इसको? इसको 20 मिनट 20 मिनट्स के लिए स्टिल इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और आगे जैसे जैसे वो जो करी जाएंगी वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। करेलों की रेसिपी देखने के लिए बने रहना व्लॉग में। तो अभी यहाँ पर हमारी शाम की टी आ चुकी है। यहाँ पे इसको क्या बोलते भाभी? कुल्लड़। कुल्लड़ कप। कुल्लड़ कप है ये। कुल्लड़ की चाय। कुल्लड़ की चाय, ये दोनों कुल्लड़ की कप में पी रही है मम्मा चाय, साथ में बिस्किट है। इसको हम अगर हम ऐसे रख दें थोड़ा सा किसी का फेस बन जाता है। यहाँ पर मेरी और दादू की चाय अलग अलग है, हमारी कप पे आई है चाय। मम्मी कर रहे थे डॉक्टर से बात, इतने में भाभी ने करेले का मसाला भी लगा दिया। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाभी आपने करेले का मसाला लगा दिया? हाँ जी लगा दिया है। तो उसके अंदर आपने क्या क्या डाला वो बता दो आप। पहले मैंने करेले छिले, फिर उसका जो छिलका है उस पर नमक हल्दी लगा के, हाँ जी, फिर मैंने 20 मिनट के लिए रख दिया। फिर मैंने प्याज काटा बारीक, फिर प्याज भून के, फिर करेले का जो मसाला था वो धो के बीच में डाला, हाँ जी, फिर उसको धो के और उसके बाद सौंफ डाली, फिर नमक, आमचूर, काली मिर्च, लाल मिर्च सब डाल के भून के बीच में भर दिया। अभी करेलों को बांध के फ्राई करना है, करेले तैयार। ये इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन देने के लिए थैंक यू, वेलकम। और दाल भी वहाँ पे बन चुकी है और वहाँ पे मेरी सौकन सूखने भी चल रही है। मैं अकेले अकेले देख रहा सौकन सूखने, क्योंकि प्राइम पे आ चुकी है। पापा ने जब मैं सोने लगा ना शाम को पापा ने फोन करके कहा कि प्राइम वीडियो पे आ चुकी है सौकन सूखने। तो अभी मैं आ चुका हूँ नीचे सौकन सूखने रहने स्पेशल। पापा आए नहीं अभी, वैसे सारी मूवी पापा के साथ देखते हैं, लेकिन कभी कभी मैं अकेले भी देख लेता हूँ मूवी। तो अभी यहाँ पर मम्मी की भिंडी है ना, भिंडी और दाल रेडी हो चुकी है। यो यो और यहाँ पे भाभी भी जाने वाले हैं। बाय बाय भाभी, भाभी बाय 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 बाय। जबरदस्ती वहाँ पे वैसे थोड़ा सुनसान एरिया है ना। बाय, तो मिलते हैं अगली वीडियो अगले व्लॉग में। तेरा बाय 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 बाय। अब हम घर चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है, खाना हमारा पैक हो गया, हम अपने घर जा रहे हैं। बाय 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 बाय। तो अभी यहाँ पर मम्मी ने करेले फ्राई कर दिए, सिर्फ करेले फ्राई ही करे अभी। और अगर सब्जी ना हो तो परांठे के साथ जो करेले आए, हाय हाय। मैं वैसे करेले खाता नहीं, मुझे करेले का मसाला अच्छा लगता है, मुझे और पापा को तो करेले अच्छे ही लगते हैं। तो परांठे के साथ मसाला ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर पापा भी आ चुके हैं और आती डिनर लग चुका है सामने, और दाल भिंडी राइस साथ में खाने वाले भी रेडी हैं। हरी चटनी, अम्बी वाली, पुदीने वाली, दही वाली, दही भी है इसके अंदर, दही भी है पता मुझे। गैस पूरी 20% गैस, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे गैस। तो यहाँ पे दोनों खाने वाले रेडी हो गए हैं, वहाँ पे हैं डालने वाले। आप भी डाल दो खुद, मम्मी आगे डालेंगे। इसका मतलब खाने वाले डालते नहीं है क्या? अब यहाँ पर पापा भी देखने लग गए हैं सौकन सूखने। क्यों भाई, मैंने तो देख ली जी, देख भी ली। हाँ फुल देख ली, पहले से लेके बैठा हुआ पागल है ना ये, पहले देख लेता। यहाँ पे नींबू पानी भी आ चुका है, मेरा मन है भी कभी कभी देख लेता हूँ। नींबू पानी भी आ चुका है, जल्दी डाल डालो, मम्मा बहुत तेज की भूख लगी है, मेरे को खुद लगी है। चलो डालो वाले राइस, जल्दी जल्दी डालो। तो चलो ठीक है राइस, अभी रात हो चुकी है, बहुत ज्यादा सोने वाला टाइम हो चुका है। तो हमारे आज का व्लॉग बस यहीं तक ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब
बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय। आई विल सी नेक्स्ट व्लॉग। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी नेक्स्ट व्लॉग।